नमस्कार भाइयों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की उस प्रजाति के बारे में जिसमें किसान ने इस बार इस सीजन सबसे ज़्यादा बोया है और 2967 के बाद यकीन मानो सबसे ज़्यादा बोने वाली वैरायटी बनने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी को काफ़ी पसंद किया गया है और इसी बार इस वैरायटी को लगाया गया है। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा रनिंग में वैरायटी रही हैं वो 187 रही हैं, 222 रही हैं, 2967 रही है। ये अगैती में है जो कि 27 अक्टूबर के बाद आप कभी भी इसको बो सकते हैं और 10 नवंबर तक आप इसकी बुआई अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे उस वैरायटी के बारे में जो अभी आप पूरा प्लॉट आपको दिख रहा है। इसमें वैरायटी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ 327 है, DBW 327, जो कि 27 अक्टूबर के बाद आप 10 नवंबर तक कभी भी बो सकते हैं। DBW 327 के बारे में जो कि किसान ने इसको सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोया भी है। तो मैं आपको बता दूं, तैयार होने का इसका समय जो है वो लगभग 150 दिन से 155 दिन का होता है इस वैरायटी का, और 27 अक्टूबर से 8 नवंबर या 10 नवंबर तक इसको बोया जाता है। पौधे की अगर हम ऊँचाई की बात करते हैं तो इसमें 98 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है, यानी लंबाई बढ़ती है। इसमें रोग की अगर हम बात करते हैं 2967 के अपेक्षा ते हैं, जैसे झुलसा है, रतुआ है, करनाल वट है, इस तरीके के रोग हैं, बीमारियां हैं, वो कम से कम देखने को मिलती हैं, ना के बराबर। और इस वैरायटी को लगभग तैयार करने में जो सिंचाई पानी की ज़रूरत होती है वो एरिया वाइज होती है। अगर आपके यहाँ भूड़ है और पानी लगाते हैं, दूसरे दिन पानी नहीं रह जाता, तो ऐसी सिचुएशन में 4 पानी लगभग लग जाएंगे। और अगर आपकी दोमट मिट्टी है जहाँ पानी का भराव एक बार होने के बाद 5-6 दिन तक ठहरा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 पानी या 3 पानी ही लगेंगे पूरी फसल तैयार होने में। तो आम तौर पे अगर हम 2967 की बात करते हैं तो 2967 में भी यही कंडीशन है, इतना ही पानी लगता है हमारे यहाँ। और आपके यहाँ कितना लगता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। इसकी उपज की अगर हम बात करते हैं 327 की, पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो 28 क्विंटल से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें पैदावार देखने को मिली है, जो कि बहुत ही खास है और ठीक ठाक है। बुआई करते समय हमें बीज की जो मात्रा है वो लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए, और सही भी है। अगर आपको लगता है कि आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बीज डालिए। अगर आप वहीं सुपर सीडर से करते हैं या मशीन से करते हैं तो ऐसे में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बीज की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ पर आप सिर्फ 40 से 45 किलो बीज। 327 ने धमाल मचाया है किसानों में। क्या इसकी उपज अच्छी होने वाली है? लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। एक और वीडियो में नए तरीके से नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप और हमारे चैनल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रही होंगी, कोई एक वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे दूसरी वीडियो पर शिफ्ट हो जाएंगे और देखिए पूरा आपको आपके काम की कोई चीज़ मिलती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।